कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि 26 फरवरी को वो अचानक से यात्रा रद्द करने वाले हैं और विदेश जा रहे हैं, क्योंकि 5 दिन बाद ये यात्रा दोबारा शुरू होगी। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, इसकी वजह भी सामने आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम ने कहा कि राहुल गांधी 26 फरवरी के बाद 1 मार्च तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कई अहम बैठकें होने वाली हैं। इस बैठक में उनकी मौजूदगी होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही राहुल गांधी 27-28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां पर वे 2 लेक्चर देने वाले हैं। 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा को एक विश्राम दिया गया है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चुनाव को लेकर राहुल जी का होना ज़रूरी है। जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं छात्रों को। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा और 2 तारीख से, जैसा कि मैंने कहा, 2 तारीख से हम शुरू करेंगे।